नमस्कार। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला कि जो मौलाना बोलते हैं कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए, ये देश के लिए खतरा है। इससे पहले कुछ मौलानाओं की आवाज आई थी कि लड़कियों को पढ़ाने से ऑब्सेनिटी बढ़ती है, और ये चीज बहुत सीरियस थी, क्योंकि लड़कियां 50% के आसपास लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट है पाकिस्तान में, और 80-90% पहुंच जाता है व्हेन इट कम्स टू कॉलेज। कॉलेज तक 90% लड़कियां नहीं पहुंच पाती। ये हालत है। लड़कियों में इतनी कम एजुकेशन ही रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आज, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन या पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन, ये सब कुछ उसी रिस्पॉन्सिबल है। इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, खुद भी LLB हैं, खुद लॉ में PhD हैं, एक्सपर्ट है, और इस समय हमें मॉस्को से ज्वाइन करना है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन, हम तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मौलानाओं की ओर बोला तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी मौलानाओं के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में नहीं है। दादा देखिए, होता यह है ना कि बेसिक सी बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है। इनके जो स्कॉलर्स हैं वो भी अपनी बेसिक सी कॉन्सेप्ट नहीं समझते। वो समझते हैं कि इलेक्शन है तो डेमोक्रेसी हो रहा है, और चूंकि इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चूंकि वो रिलीजियस लीडर अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो रिलीजियस लीडर को पॉलिटिकल वोट नहीं मिलते हैं, इसलिए पॉलिटिकल जो सेपरेशन है स्टेट का, लोगों लोग रिलीजन के नाम पे वोट नहीं देते। वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं कि उनको पॉलिटिशियन से कुछ काम ही नहीं पड़ता, उनका डे टू डे लाइफ एक मौलाना और एक मुल्ला ही चलाता है। उनके यहाँ पे एक पॉलिटिशियन के कहने पे लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक मौलाना कह देगा कि ये होना है तो वो होगा, लोग उसी हिसाब से अपने जीवन का रहन सहन करेंगे। तो जो आदमी रियल पावर एक्सरसाइज कर रहा है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि पाकिस्तान का पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कुरान सम्मत और सुन्नत सम्मत ना हो, तो कहाँ वो खड़े होने की जरूरत क्या है भाई? वो वैसे ही सब सर्वियंट है पॉलिटिकल लीडर्स, मौलाना और मुफ्ती के यहाँ तो जो पावर है सब उसी के, क्या वहां के जो सबसे पॉपुलर आदमी और सबसे पावरफुल आदमी कौन है? ये तो उनके मौलाना हैं। उनके देखिए मिलियन मिलियन के सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूज होते हैं यूट्यूब पे, वो जो कहते हैं लोग उसको मानते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कहना कि मौलानाओं की बात नहीं सुनेंगे, मौलाना ही चला रहे हैं। अब आप देखिए ना दादा, प्रॉब्लम ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड जो ये इनकी सोसाइटी का पार्ट बन गया। अब मैंने बहुत पहले भी बोला था, आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हमें इस्लामिक मॉरलिटी से समाज को चलाना है, और इस्लामिक मॉरलिटी सीखने बच्चा कहाँ जाएगा? मदरसे में जाएगा या बच्चा जाएगा स्कूलों में सीखने? वो जो सेक्युलर स्कूल है जहाँ पे लड़कियां सलवार और सलवार की जगह स्कर्ट और ये सब चीजें पहन रही है, वो तो असंभव है। तो पॉइंट ये कि आप जो मोरालिटी है वो सीख क्या रहा है बच्चा अपना वहां से, क्या नाम है, मदरसे से, उसको तुम कह रहे हो कि मदरसे प्रॉब्लम है। अब अगर मैं क्या बोलूं, अब अगर कुरान जो है वो जाहिलियत को खत्म करता है तो फिर उसकी नॉलेज ही फाइनल नॉलेज होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो। डबल स्टैंडर्ड के साथ समाज को तुम नहीं चला सकते ना। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसे मौलानाओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्या एक्शन लेंगे आप जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम मॉरलिटी इस्लाम की लगाने जाएंगे? तो आपको इस्लामिक मॉरलिटी कौन बताएगा? वो इमरान खान बताएंगे इस्लामिक मॉरलिटी, नवाज शरीफ बताएंगे, उनको अरबी पढ़ने आता है, ये जो ट्रेंड मौलाना है मुफ्तीज हैं यही ना बताएंगे, इन्होंने मुताला किया हुआ है। तो आप उनके अगेंस्ट में क्या, आप भाई आप एक्शन की बात कर रहे हैं। पुलिस थाने में लेके गया था, पुलिस वाला जो है उस आदमी को स्वात में थाने में बैठा लिया था, थाना फूंक दिया लोगों ने। क्या आप क्या इनके अगेंस्ट में कौन एक्शन करेगा? दे आर अबव लॉ। आपने देखा नहीं था ये जो लड़की थी जिसके की ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था, उसमें मौलाना लोग दो बैठे बैठे हुए थे और पुलिस वाले खड़े होकर के मौलानाओं से बात कर रहे थे। यहाँ ऐसा हो जाएगा कि एक पंडित खड़ा है और पुजारी खड़ा है या कोई शंकराचार्य ऐसे खड़ा हो और पुलिस वाले उसके सम्मान में थाने के अंदर उसके मठ में जाके पुलिस वाला उसके पैर में बैठे, बात अलग है, लेकिन थाने के अंदर जाकर के वो जो है बैठे हो मठाधीश ही कर रहे हो और थाने वाला उनकी बात सुन रहा है। आसाराम बापू को जेल में डाल दिए है, हिम्मत आप किसी के उसको डाल दिए, आग लगा देंगे वो। तो भाई देखिए क्या, पुलिस एक स्टेट का वो होता है ना, रिप्रेजेंटेशन है, माइट ऑफ स्टेट,
लोगों ने कहा कि इसने ब्लास्फेमी की है, पुलिस वाले ने कहा नहीं की है, पुलिस वाले के थाने समेत लेके आए जला दिए। तो किसके कहने पे किए? कोई मौलाना साहब ही तो बता रहे होंगे ना ब्लास्फेमी हो गई। क्या है ब्लास्फेमी किसी को पता नहीं है। हम आप बोल रहे हैं ये भी कोई सरफिरा आदमी इसको भी ब्लास्फेमी कह सकता है। तो आप क्या एक्शन लेंगे उनके ऊपर और किस चीज का एक्शन लेंगे? कि हम कुरान को नाफिज करना चाह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर एक चीज, डॉक्टर ये बताइए, ये क्या ये इस तरीके की जाहिलियत दूसरे अभी आप ताजिकिस्तान से ही आ रहे हैं शायद उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान से, क्या इस तरीके की जाहिलियत रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में भी है? क्या उज़्बेकिस्तान वगैरह में भी है कि मौलाना ये बोलते हो कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, उससे ऑब्सिनिटी बढ़ रही है? भाई ये तो मैंने आज तक, मैं तो अभी जहां से आ रहा हूँ उज्बेकिस्तान से, और उसमें उनकी तो लड़कियां ऐसे एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कपड़े पहन के थी कि आप देख। मैं तो कजाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने तो कजाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान एक ही जैसा है समाज, दोनों ही तुर्क है। जरा उनके बच्चियों को देखिए जो वो कपड़े पहन के आती थी, जब समर आता था तो जिस तरीके के वो बच्चे यहाँ कपड़े पहनती थी। जब मैं खुद पहली बार अलमाटी के शहर में, मैं बहुत दुखी था क्योंकि मुझे तो यूके में जॉब करनी थी और मुझे भेज दिया था ये अलमाटी में। तो मैं जब अलमाटी के शहरों पे घुमा, मैंने कहा यार ये क्या है। तो वो दूसरा है वो, मैंने कहा ना कजाक। अच्छा बताइए दादा, आपसे मेरा प्रश्न है, उर्दू भाषा पाकिस्तान की भाषा है, सबसे बड़े पेपर का नाम क्या है जो उर्दू भाषा में आता है? डॉन होगा, वो इंग्लिश में आता है ना डॉन, तो उर्दू भाषा की बात है। कोई मिल्ली होगा, कोई कुछ होगा, यही होगा ना। लेकिन उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान के जो पेपर है, भाषा है, उसका नाम है, न्यूज़पेपर है, उसका नाम है टेंगरिन। टेंगरिन इनकी आइडेंटिटी है, उगते हुए सूर्य को पूजते थे इनके पूर्वज, उसको वो अपना न्यूज़पेपर बनाए, वही उनके झंडे पर है। अच्छा ये पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या है दादा? उर्दू, रिटन इन फारसी लिपि। भाषा बेसिकली हिंदी है, लिपि उसकी जो है वो फारसी है या अरबिया कह लीजिए। आप सोचिए उज़्बेक किस भाषा में लिखते हैं? उज़्बेकों की जो भाषा है अपनी, उस भाषा को लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अभी मैं था तो तीन भाषाएं बोली गई, इंग्लिश में अनाउंसमेंट हुआ, उज़्बेक में अनाउंसमेंट हुआ, रशियन में अनाउंसमेंट हुआ। तो जो मेरे पास जो इवन फ्लाइट में भी, जो चूंकि मैं उज़्बेक एयरलाइन से ही आया, तो फ्लाइट में भी वो जो बुक रखे रहते हैं कंट्री के बारे में, वो तीन भाषा में थी, उज़्बेक में, रशियन में, और इंग्लिश में। तो उज़्बेक और इंग्लिश जो थी वो तो रोमन अल्फाबेट से लिखा हुआ था, जिसको हम ABCD कहते हैं, और उज़्बेक जो रशियन थी वो रशियन अल्फाबेट में था। तो यानी कि उज़्बेकिस्तान अपनी भाषा को बोलने के लिए अरबी लिपि का तो यूज नहीं कर रहा, फारसी लिपि का तो यूज नहीं कर रहा, फिर भी वो मुसलमान। मैं जब गया वहां लाइन में खड़ा था, तो जो लड़का था वो बोला नमस्ते, नमस्कार, आइए आइए, और एक लड़के को बोल दिया नमस्कार। वो लड़का मुसलमान था इंडिया से, तो बोला अच्छा अच्छा ये मुस्लिम, बोला अस्सलाम वालेकुम, बोला अस्सलाम वालेकुम। तो आप अगर दोनों बोलो तो हमें अस्सलाम वालेकुम से भी प्यार उतना ही होगा जितना नमस्कार से होगा। जो उस बच्चे ने किया उज़्बेकिस्तान के, उतने ही गर्मजोशी से उतने नमस्कार बोला जितनी गर्मजोशी से उसने अस्सलाम वालेकुम किया। हमारे यहाँ दिक्कत है कि अस्सलाम वालेकुम कर नमस्कार नहीं करेंगे। अब जैसे वो जो जो एयरपोर्ट पे बच्चा था, उसने बोला मुसलमान हम नमस्कार नहीं करेंगे, तो आप उज़्बेक से भी बड़े मुसलमान हो गए। ये हमारे यहाँ जिस तरह जो इस्लाम हमारे यहाँ सिखा रहे हैं दादा, उस इस्लाम से हम आप हारेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इसको सिखाने वाले लोग हमारे यहाँ के हैं। इस्लाम पर से में बुराई नहीं रह गई है, बहुत जगह का इस्लाम बदल चुका है। मैं आपको अभी ना कुछ अनफॉर्चुनेटली ये खुल नहीं रहा है, तो मैं कल एक जर्मन आर्टिकल पढ़ रहा था, जर्मन प्रोफेसर ने जर्मन वहां उज़्बेकिस्तान में कुछ दिन रहे और उसके बाद उन्होंने वो किया इस्लाम जो वहां के, जब CIS टूटा, जब रशिया टूटा, USSR टूटा, क्षमा कीजिएगा, तो जो उसमें से जब उज़्बेकिस्तान बने तो उनके जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था इस्लाम करीमोव, ठीक है ना। इस्लाम करीमोव ने इस्लाम को दबाने का जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। अभी उन 2023 की बात है कि देखा उन्होंने कि राइज ऑफ इस्लामिक कट्टरवाद हो रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने रेड मारी खाने के दुकानों में जहां पे दारू नहीं बिकता था, और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम दारू नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें नहीं ये लाइसेंस देंगे।
और मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूं, अगर आपकी तरफ से खुले दादा, क्योंकि इधर से तो नहीं खुल रहा है चैट बॉक्स में, तो खोल के शेयर कीजिए ताकि लोगों को लगे ये जर्मन ऑफिशियल साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश्ड आर्टिकल है। मैंने प्राइवेट चैट में भेजा आपको इसी पे स्ट्रीम यार्ड में, मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ यहाँ से उसको। मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं खोल करके लोगों को कि इस्लाम करीमोव या जो यहाँ के अभी गवर्नमेंट है, तो इस्लाम करीमोव तो नहीं रहे लेकिन वो देखिए ये समाज का निर्माण होता है। हमारे यहाँ पे कह दीजिए किसी मुस्लिम से कि तुम्हें दारू बेचना ही पड़ेगा, और ये तो हमारे यहाँ तो पता नहीं है जो हमारे लेफ्ट लिबरल है वो क्या हो जाएंगे। ये है देखिए सब अल्कोहल और गो बस हलाल रेस्टोरेंट से, ये कोई हिंदू नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस नहीं कर रहा, ये वहां की लोकल गवर्नमेंट, ये वहां की लोकल गवर्नमेंट कर रही है। आपने देखा भी ताजिकिस्तान में क्या हुआ, मैंने कहा ना मैं गया तो वो लड़का मुसलमान था, बिकॉज 96% जो उज्बेक है वो अपने आप को इस्लाम से, अगर आप इस तरीके का इस्लाम पेश करोगे तो किसको प्रॉब्लम है कि आप नमस्कार भी उतना ही गर्मजोशी से करो जितनी गर्मजोशी से आप सलाम वालेकुम कह रहे हो। यहाँ के मुसलमानों को सिखा दिया है कि सलाम वालेकुम कहना तो ठीक है, नमस्कार कहने में इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये प्रॉब्लम। अच्छा आप तो फिलिस्तीन में ही रहे हैं जी, तो क्या है ऐसा वहां पर, वहां पे भी शराब बेचना अलाउड नहीं है फिलिस्तीन की? मैं उतना मतलब ना फिलिस्तीन में मैंने घूमा है, मुझे इसराइल की गवर्नमेंट लेके गई थी फिलिस्तीन को, एक ऐसे टेरिटरी नहीं है फिलिस्तीन, चकत्ते चकत्ते में है पूरे इसराइल में ऑल ओवर, तो वहां तो मुझे लोग मॉडर्न ही दिखे। अब दारू को लेकर के तो मैंने कोई खास बातचीत पूछी नहीं, मतलब कपड़े बुरके में ज्यादातर लेडीज नहीं, लड़कियां मॉडर्न थी, कोई बुरके में नहीं दिखा मुझे। ये बुरका तो इंडिया और पाकिस्तान का ही फिनोमेनन है क्या? लेकिन नहीं देखिए दादा एक बात इसको भी समझिए, ये जो अबाया है ये बेसिकली एक अबाया और बुरके का अंतर समझिए। अबाया जो है वो बेसिकली एक वेस्टर्न एशिया कल्चर का पार्ट है, ये यहूदी औरतों में भी पाया जाता है। औरतों का बाल दिखाना, महिलाओं का बाल दिखाना अच्छा नहीं माना जाता था, तो वो उसको ढक लेती थी और वो जो पहनती थी जो ढकती थी उससे पूरा फेस ढकता था और ये हिस्सा भी ढक जाता था, उसको अबाया कहते थे। तो अगर वहां की लड़की अबाया अपने कल्चर से पहन रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका कल्चर उसकी अबाया बहुत सुंदर वस्त्र है, लेकिन आप यहाँ पे उसको रिलीजन के नाम पे पढ़ रहे हो, आपके पास भी आपका सलवार दुपट्टा है, आपको बाल नहीं दिखाना है ना, मत दिखाओ। एक वैसे लेकर नहीं हमारी माताएं और वो लोग घूमती थी, बाहर जाना होता तो मम्मी दुपट्टा ले लेती थी ऐसे, ठीक है ना, आपको बाली छुपा रहा है, लेकिन पॉइंट है कि आप अबाया को चाहते हो, आप कह रहे हो यही कपड़ा है यही बस मोरालिटी का, ये प्रॉब्लम है। अगर आपका गोल है कि हमारा ये ना दिखे, मत दिखे, आप ले लो दुपट्टा, अक्सर लड़कियां लेके चलती हैं, लेकिन आप कह रहे हो दुपट्टा हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये समस्या का। अबाया में कोई कमी नहीं, अबाया बहुत सुंदर वस्त्र है, मगर उसकी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ रहेगी मिडिल ईस्ट तक। अगर आप अबाया को इंसानियत का कपड़ा बना दो कि जो भी मुसलमान बनना है बस वो अबाया से ही बनेगा, यानी हमारे यहाँ की माँ बहनें जो साड़ी पहनती है, हमारे यहाँ की माँ बहनें जो सलवार दुपट्टा पहनती है, या जापान में जो किमोनो पहनती है, या दूसरे दूसरे सभ्यताओं में जो और कपड़े पहनती है, वो कपड़े खराब है, वो लज्जा नहीं उसमें ढकते, तो अगर वहां के लोग मुसलमान हो जाए तो अपना कल्चर त्याग कर दे, ये समस्या का है। मैंने बताया ना, मैं दादा मैं फिर से रिपीट करूंगा, इतना अच्छा आदमी लगा मुझे, मैं गया लाइन में खड़ा था, उसने मजाक भी किया मेरे साथ, हमारे साथ भी मेरे साथ आदमी एक आगे खड़ा था, उसने कहा यार गाना सुनाओगे, और खुद भी गाना गा रहा था, पता नहीं कौन सा गाना गाया मैं भूल गया, गाना गाओगे तुरंत ठप्पा लगा देंगे चले जाओगे, तो हम लोग ट्रांजिट में थे तो वो शर्मा रहा था, तो मैं पीछे खड़ा था, मैंने कहा यार क्या शर्माना, इतना खुल के ये बोला शाहरुख खान शाहरुख खान, तो मैंने कहा भाई सूरज हुआ मतलब, अच्छा वो मेरे साथ गाने लगा, बोला नमस्कार भाई साहब आइए आपका उज्बेकिस्तान में स्वागत है। तो आप देखिए अगर आप नमस्कार भी कह रहे हो तो मैं आगे बढ़ के कहूंगा अस्सलाम वालेकुम रहमत अलैह व बरकातहू, हुई एक ग्रीटिंग है ये, लेकिन आप ये कहोगे कि अस्सलाम वालेकुम ही सही है और नमस्कार गलत है और हम बोलेंगे तो हमारा ये माइंडसेट गलत है, क्योंकि ये माइंडसेट ना तुर्की में सिखाया जा रहा है, होंगे 100 में से 20 लोग होंगे जो नहीं करेंगे, लेकिन 100 में से 80 लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाहे मैं जिस भी मुस्लिम कंट्री में कहूँ, नमस्ते करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, अरब करते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक मानसिकता दिखा दी गई है और कि हमारे यहाँ के रिलीजन के नाम पे तुम कल्चर को त्याग दो, अच्छा कल्चर भी नहीं त्यागते, वो कल्चर अप्रोप्रिएट करके उसको कहते हैं ये रिलीजियस एक्टिविटी है हमारी। राइट राइट जी राइट तो
ऑल इन ऑल ये यही चलेगा, ये लड़कियों को कभी पढ़ने नहीं देंगे, ये किसी को पढ़ने नहीं देंगे। और अभी तो देखिए टीटीपी से लड़ रहे हैं, शुरू हो गया ना क्या अजमेर इस्तकाम, और दो साल शुरू हो जाता है रद्दुल फसाद, अजमेर इस्तकाम, फिर उसके बाद सलास क्या जरबे अजब, फिर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। राइट, उस पर भी मेरी नजर होगी और मैं अपडेट देता रहूंगा। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जय।